Good morning students, today we will start the lesson number 5, Introduction to Calc. Calc is an electronic spreadsheet package from the OpenOffice suites. It means कि जो आपने Microsoft Excel देखा, right, जब हम use करते थे below classes में, तो वैसा ही आपको यहाँ पे ये standard में आपको Calc की हिसाब से use करना है. Calc नाम है और वो OpenOffice suite के application software में inbuilt है. तो देखो नेक्स्ट है, एज स्प्रेडशीट इज अ टाइप ऑफ द पैकेज यूज टू फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन एज वेल एज द फॉर्मेटिंग डेटा इन अ डॉक्यूमेंट. मीन्स अभी देखो, जो भी हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम किया और ज्यादातर हम काम करते हैं कैलकुलेशन बेसिस, स्टैटिस्टिकल एंड साइंटिफिक एंड एनालाइजिंग टू जनरेट द रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए. तो ये पूरा जो होता है कैल्क, वो होता है कैलकुलेशन बेस, पूरा मैथमेटिकल ग्राफिकल या कोई आपको रिपोर्ट जनरेट करना है तो आप कैल्क के अंदर कर सकते हो. विद स्प्रेडशीट क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, राइट. तो जैसे आप नोटबुक में हम बनाते थे, जब हम छोटे थे तो नोटबुक में हम कोई बॉक्स टेबल हमको दिया जाता था, तो हम क्या करते थे, टेबल हम जनरेट करते थे और उस टेबल को क्या बोला जाता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. तो आपको यहाँ पे भी एक स्प्रेडशीट दिया गया, रेडीमेड रो एंड कॉलम जनरेट होंगे, उसके अंदर आपको डेटा एंड फॉर्मूला एंटर करना है. क्लियर. Now, beyond a spreadsheet, spreadsheet become larger and become more difficult to manage. To handle with the increasing size of the spreadsheet, to construct a workbook was identified. Main purpose of workbook is to manage collection of spreadsheet. Besides workbook, online spreadsheet are also becoming popular. Now, typical applications of the स्प्रेडशीट पैकेज. अभी देखो कौन कौन से पैकेजेस एक्टिविटीज परफॉर्म होती है एक स्प्रेडशीट में. एक तो फर्स्ट है बैलेंस शीट, मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन या समरी कोई अकाउंट फॉर्मेट का, राइट. जो कंपनी में जो अकाउंट सेक्शन होता है तो उसकी भी एक पर मंथ की एक स्टेटमेंट बनती है, तो वो क्या बोला जाता है, एक बैलेंस शीट बोली जाती है. नाउ रिजल्ट एनालाइजिंग एंड मेरिट लिस्ट. अब रिजल्ट कोई भी होता है, जैसे हम स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर होता है कोई भी क्लास का, तो हम क्या करते हैं उसको शॉर्टिंग के हिसाब से फिल्टरिंग करके नेम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर और उसके मार्क्स के हिसाब से शॉर्टिंग करके हम एनालाइज रिपोर्ट बनाते हैं. नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डेटा एनालाइजिंग. मींस इट विल बी शॉर्टिंग एंड अरेंजिंग अप्लाइंग द स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन सच एज फाइंडिंग मीन मोड एंड प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिकल में हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट हम शॉर्टिंग कर सकते हैं, अरेंजिंग कर सकते हैं या उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, देन फाइंडिंग क्या फाइंड करेंगे हम, मीन मीडियन एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. उसके बाद आता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज. फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब क्या है, एक लोन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन. मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम क्या फाइंड करेंगे, लोन का इंस्टॉलमेंट जो हम लोन भरते हैं या लोन हमने लिए है तो उसका कैलकुलेशन, उसके प्लस इंटरेस्ट, देन इट्स इज कैलकुलेशन. नाउ नेक्स्ट है पर्सनल एक्टिविटी. पर्सनल में हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो ट्रेकिंग द वेट्स, कोई भी अगर सपोज करो स्कूल में हम हमारा वेट होता है, वेट निकालते हैं तो उसका एक अरेंजमेंट होता है. मैनेजिंग द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, आइटम एंड इवेंट्स सच हैज प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ गेस्ट फॉर द पार्टी फोर्थ कमिंग इवेंट्स. नाउ देखो यहाँ पे स्टेप दिया है कि इस तरह से कैल्क को स्टार्ट करना है. सबसे पहले एप्लीकेशन में क्लिक करो. ये जो भी स्ट्रक्चर दिया है दैट इज कॉल्ड Ubuntu का स्ट्रक्चर है ये पूरा, राइट. अगर आपको कैल्क नहीं है आपके पास ओपन ऑफिस, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये परफॉर्म कर सकते हो. जो भी हमारा प्रैक्टिकल रहेगा तो आप ओपन ऑफिस में कर सकते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑफिस या फिर ओपन ऑफिस. नेक्स्ट स्टेप इसके बाद देखो ये वाला जो विंडो डिक्लेयर हुआ है, इसमें देखो फर्स्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एड्रेस या फिर नेम फील्ड और जो भी सिलेक्ट किया है वो, देन आफ्टर टूल्स बार, मेनू बार, टाइटल बार, कॉलम हेडर्स, वर्क स्पेस, रो हेडर्स, एक्टिव सेल, शीट टैब, स्टेटस बार एंड जूम टूल. नेक्स्ट है यहाँ पे टाइटल बार. टाइटल बार मतलब जो हम फाइल सेव करते हैं दैट इज कॉल्ड अनटाइटल वन. ओके, अनटाइटल वन मतलब जहाँ पे हम जैसे ही फाइल में जाके न्यू करेंगे तो आपको अनटाइटल वन नाम का एक शीट जनरेट होगा. उसके बाद हम सेव करके उसको अनटाइटल वन से आप अपना कोई भी नाम एंटर कर सकते हो. नेक्स्ट है मेनू बार. मेनू बार में देखो
कौन कौन से मेन्यूज दिए गए हैं। फर्स्ट है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, डेटा, विंडो और हेल्प। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है फाइल में। फाइल मतलब क्या है? द कमांड्स टू ऑपरेट द एंटायर डॉक्यूमेंट सच एज क्रिएटिंग न्यू, सेव फाइल, प्रिंटिंग एंड प्रिंट व्यू, राइट। सिंपल जो नॉर्मल हमने वर्ड में देखा था वैसे ही है एज कंपेयर ऑफ कैल्क। यहाँ पे भी आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंटिंग और बाद में जो प्रिंट प्रीव्यू, जो भी आपको प्रिंट निकालना है तो उसका भी आप प्रीव्यू देख सकते हो। नेक्स्ट है एडिट। एडिट मतलब कोई भी हम चेंजेस बोलते हैं एक वन टाइप ऑफ सिंपल वर्ड में, जहाँ पे आप कॉपी, पेस्ट, फाइंड या रिप्लेस। व्यू, व्यू मतलब एडिंग और रिमूविंग द एलिमेंट्स ऑफ द यूजर इंटरफेस, पेज ब्रेक। व्यू इनसेट, व्यू मतलब कि जिस तरह से सपोज करो कोई प्रिंट निकालना है तो पेज का प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका प्रीव्यू देखना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद जो भी मुझे ऐड करना है या फिर रिमूव करना है तो आप व्यू में से कर सकते हो। नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट में हम क्या करेंगे, रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है, वर्कशीट या एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग सेल, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, शॉर्टिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एसेट्रा। टूल्स में मतलब एडिशनल टूल्स सच एज स्पेलिंग, स्पेल चेकिंग, मतलब कि जो भी लिखा है उसकी चेकिंग होती है, वर्ड्स की चेकिंग, डॉक्यूमेंटेशन प्रोटेक्शन, फॉर्मूलाज एंड एरर करेक्शन। नेक्स्ट इज द डेटा। डेटा में मतलब डेटा का शॉर्टिंग करेंगे, डेटा का प्रोसेसिंग, देन फिल्टर। नेक्स्ट इज द विंडो। विंडो में मतलब उसके अंदर देखो कौन कौन से आते हैं, या तो क्रिएट अ न्यू विंडो, फ्रीजिंग सेल या लिस्ट ऑफ ओपन ऑफिस ORG डॉक्यूमेंट्स। अभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमें क्या क्लिक करना पड़ेगा, हेल्प। हेल्प अबाउट द फंक्शंस, इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन एंड वर्जन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखो अवेलेबल ऑप्शंस देखो फाइल में जैसे किया है तो ये सारे पूरा एक पूरा मेनू कंटेंट हुआ है। सेव एज मतलब आपको डेस्टिनेशन चेंज करनी है, जो मेरी फाइल है उसको पर्टिकुलर लोकेशन में आपको रखना हो तो आप सेव एज बटन में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखो उसका सेव जैसे किया तो अनटाइटल वन मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसको हटा के आप नेम अपना रख सकते हो और सेव इन फोल्डर मतलब जो भी फोल्डर में रखना है। तो यहाँ पे जो एरो दिया है, ये वाला जो एरो है, उस पर आप क्लिक करके पर्टिकुलर लोकेशन में सेव कर सकते हो। प्रिंट ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। ओके, यहाँ तक हम रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टूल बार नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए